शिमला जिला के रामपुर के खनेरी स्थित चार जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर की खामियां उजागर होते ही उन्हें दुरुस्त करने का काम तेज हो गया है। बता दें कि चिकित्सालय में पिछले एक माह से एक्सरे मशीन खराब होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मजबूरन निजी क्लिनिक में जाकर महंगे दामों पर एक्सरे करवाने को मजबूर हैं। हालांकि मीडिया में बिजली वायरिंग और ऑक्सीजन की समस्या सामने आने के बाद उसे तो तुरंत दूर गया, लेकिन ऑक्सीजन रिफिल करते हुए गेज न होने से छोटे सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरना मुश्किल हो रहा है। पूर्व जिला परिषद सदस्य बिहारी सेवगी ने बताया कि 3 दिन पहले 3 मरीजों की खनेरी चिकित्सालय में ऑक्सीजन समय पर न मिलने से मौत हो गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में एक्सरे मशीन भी काफी लंबे समय से खराब है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं पूर्व पंचायत प्रधान रंजीत ठाकुर और नगर परिषद रामपुर के पूर्व उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र लट्टू ने बताया कि खनेरी चिकित्सालय में जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं है। पिछले एक माह से एक्सरे मशीन खराब है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो अब अस्पताल में उपलब्ध करवा दिए गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए गेज नहीं है। सरकार दावा कर रही है कि भाई जो है प्रॉपर्ली मरीज जो है हर हॉस्पिटल में सारा इंतजाम है, तो जो है वो ऐसा है नहीं है। और जो यहाँ तक कि जो है रेगुलेटर तक जो है खरीद नहीं पा रहे हैं, उसको जो है ठीक कर नहीं पा रहे हैं। और बल्कि सरकार ये बोल रही है कि भाई हम दिल्ली के लिए मदद करेंगे या दूसरे अदर स्टेटों के लिए मदद करें, बल्कि अपने स्टेटों में जो हॉस्पिटल की हालत जो है ठीक नहीं है। ये तो एक्सरे मशीन जो है उसकी क्या स्थिति है? एक्सरे मशीन वो तो पहले से इनके ख़राब होते, जब भी छोटी सी बीमारी हो उसके लिए भी जो है प्राइवेट हो जो एक्सरे के लिए जाना पड़ता है। और दूसरी भी जो मशीनरी है जो है इसके साथ में सारे जो है हमेशा जो है इनका जो है उसमें जंग लगा है, और जिससे जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अस्पताल के अंदर। रामपुर बुशहर परिषद में हम आए यहाँ, पिछले एक महीने से जो एक्सरे मशीन है वो ख़राब चल रही है। सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर पेशेंट आते हैं, ऊपर से कोरोना का जो महामारी पिछले लगभग 14-15 महीने से जो चली हुई है, और ऑक्सीजन जो सबसे बड़ी बात है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है, सिलेंडर तो पिछले कल तक तो थे नहीं, अब आए हैं, कईयों के रेगुलेटर ख़राब है। ऊपर से जो गेज है, जो सिलेंडर की गेज चेक करना है कि भी कितना हमने उसको दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट करना है, ये कोई पता नहीं है वो सिलेंडर पूरे आ रहे कि आधे आ रहे। मेरे को तो ऐसा लगता है इसमें भी कोई गफला है। वहीं चिकित्सालय में भर्ती मरीजों व तीमारदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से चिकित्सालय की स्थिति बेहद खराब थी। बिजली की बदहाल व्यवस्था होने के साथ साथ ऑक्सीजन रेगुलेटर भी खराब थे, लेकिन अब कुछ हद तक हालात सामान्य हो गए हैं। बिजली के स्विच भी बदले गए हैं, तो वहीं चिकित्सक भी चेकअप के लिए लगातार आ रहे हैं। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि अस्पताल में एक्सरे मशीन को भी जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। मारे परस तक दिक्कत थी, परस देखो मारे को ठीक हो रहा है, डॉक्टर भी चल रहे और नर्स भी आ रहे, बेचारी दवाइयाँ भी दे रहे, हमारी देखभाल भी हो रही, सब कुछ देखभाल हो रही। तो बोले हम ये सूच साच कब ठीक हुए? सूच एक कल ठीक हो गए, सारा दिन लगाया हम नहीं। अच्छा, सिलेंडर भी मिल रहे हैं? सिलेंडर तो कहाँ डाले, हम तो इस मशीन का एक करते हुए। ठीक ठीक, दो तीन दिन स्थिति ठीक नहीं है, परसों से कल से स्थिति यहाँ पे ठीक है। हर चीज़ की बिजली के कनेक्शन भी ठीक दे दिए गए हैं, और ये क्या बोलते हैं सिलेंडर का ये भी ठीक कर दिया गया है, रेगुलेटर वगैरह लगा दिया गया, सर्विस अभी ठीक है प्रोवाइड। जितनी दिक्कत पहले क्या, कल से पहले क्या स्थिति थी? कल से पहले तो बहुत खराब था, ना तो यहाँ पे कोई प्लग ठीक था, एक मशीन को एक ही जगह लग रहा, 6 मशीनें एक ही प्लग ठीक था, रेगुलेटर नहीं था सिलेंडर में कोई भी, एक रेगुलेटर एक सिलेंडर में एक रेगुलेटर।